Let's start with amendments related to group 2. सबसे पहले AS4, ठीक है? AS4 का नाम क्या है? किसी को याद है? Contingencies and event occurring after balance sheet date. दो चीज़ है, एक है contingencies और दूसरा event occurring after balance sheet date. Now what do you mean by contingencies? वो doubt होता है, होगा कि नहीं होगा, they are contingencies. ठीक है ना? Ideally contingencies किधर covered है पता? Main सब AS29. AS29 में contingent assets, contingent liability सब उधर covered है. So क्या हुआ था पता? पहले सिर्फ AS4 हुआ करता था. तो सारे contingencies AS4 में हुआ करता था. फिर क्या हुआ? AS29 आया. तो थोड़े बहुत contingencies किधर shift हो गए? AS29 में बचे हुए AS4 में थे. तब पहले wording ऐसा होता था AS4 में कि pursuant to AS29, since AS29 आया, now all paragraphs of this standard which deal with contingencies stand withdrawn to the extent they deal with impairment of asset not covered in other AS. मतलब पहले ऐसे wordings हुआ करते थे कि since AS29 आया है, तो contingencies वाले सारे paragraph AS4 से deleted, except थोड़े बहुत contingencies जो अभी भी AS4 में in relation to impairment of asset. Example RDD. RDD में contingency ये है कि वो debtors से पैसा मिलेगा कि नहीं मिले, उसके ऊपर अपन RDD क्रिएट करता है. वो अभी भी AS4 में था, क्लियर है? अब ये AS4 के फुटनोट में पहले लिखा हुआ करता था विद एन एग्जांपल ऑफ RDD. अब ये फुटनोट को थोड़ा चेंज किया, AS4 को रेफरेंस टू AS29 डिलीट कर दिया. बोला कि ऑल पैराग्राफ्स ऑफ दिस AS डीलिंग विद कंटिंजेंसीज आर एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट दे आर नॉट कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड, ऐसा वर्ड डाल दिया. ये समझा? थोड़ा सा वो पैराग्राफ को क्या किया, मॉडिफाई, सिंप्लीफाई किया, बेटर किया. उन्होंने बोल दिया ये AS में जो भी कंटिंजेंसी है दे विल बी एप्लीकेबल एक्सेप्ट दोस कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड्स. काम खत्म, क्लियर? एग्जाम्पल में आज भी वही एग्जाम्पल रखा, क्लियर? स्मॉल चेंज इन वर्डिंग्स ऑफ फुटनोट ऑफ AS, बस दैट वाज एन अमेंडमेंट. ये समझा? पहले AS29 का रेफरेंस हुआ करता था, अभी AS29 का रेफरेंस नहीं. बोला कि और कोई AS में किधर कवर्ड है, तो ऐसा रेफरेंस, तो नाम AS29 का रखा नहीं, ये क्लियर? एंड बोल दिया ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है लेकिन प्रिस्क्राइब कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ऐसा थोड़ा और मॉडिफाई करके बेटर कर दी, क्लियर? चलो कंक्लूजन, अभी भी कंटिंजेंसी रिलेटिंग टू RDD किधर कवर्ड है? AS4 में कवर्ड है बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी अदर AS. तो प्रैक्टिकली ऐसा कोई खास बड़ा इम्प्लीकेशन हुआ नहीं है, सिर्फ वर्डिंग चेंज हुआ, ठीक है? नेक्स्ट डिविडेंड रिलेटेड चेंज. उसमें दो पैराग्राफ है, दोनों का साथ में कंक्लूजन बता देता हूँ, ठीक है? नाउ देयर इज एन आइटम नोन एज प्रपोज्ड डिविडेंड. प्रपोज्ड डिविडेंड उसमें अपने को चेक करना पड़ता है इज इट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट और नो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट मींस आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड उसमें भी दो टाइप के इवेंट होता है, एक एडजस्टिंग इवेंट होता है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट. एडजस्टिंग इवेंट वो होता है विच एफेक्ट्स द पोजिशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, वो एडजस्टिंग इवेंट होता है, उसको एडजस्ट करना होता है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब इट डज नॉट गिव एन एविडेंस ऑफ द पोजिशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट. एग्जाम्पल देता हूँ, लास्ट ईयर कोई थेफ्ट हो गया था, अभी पता चला, आफ्टर बैलेंस शीट बिफोर अप्रूवल, एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज इट गेव एन एक्स्ट्रा एविडेंस ऑफ द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट. चोरी तो तभी हो ही चुका था. नॉन एडजस्टिंग इवेंट का एग्जाम्पल देता हूँ, मार्च खत्म हुआ, उसके बाद अप्रैल में फायर लगा और मई में जाके लॉस फाइनलाइज हुआ, इट्स एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. क्यों? इट डिड नॉट सिग्निफाई पोजिशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट. ऐसा दो इवेंट होता है उसमें ना. पहले AS4 में ऐसा होता था, अगर किधर जगह पे लॉ ने रिक्वायर किया तो इवन इफ इट डज नॉट सिग्निफाई पोजिशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट फिर भी एडजस्ट करना चाहिए. एंड वहां पे एग्जांपल देकर रखा था प्रपोज डिविडेंड का, बोला था प्रपोज डिविडेंड को एडजस्ट करो. क्या बोला था? प्रपोज डिविडेंड को एडजस्ट. प्रपोज डिविडेंड डज नॉट सिग्निफाई पोजिशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट. क्यों? ईयर खत्म होता है तब तक पता ही नहीं है कि डिविडेंड होगा कि नहीं, फिर वो डायरेक्टर प्रपोज करता है, फिर कंपनी का अप्रूवल होता है, तब जाके वो डिविडेंड फाइनल होता है. तो डिविडेंड वॉज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट, इट वॉज नेवर एडजस्टिंग इवेंट, बट अर्लियर AS के हिसाब से एडजस्टिंग इवेंट हो सकता था, ऐसा डाउट आता था. एंड तभी रिक्वायरमेंट भी ऐसा हुआ करता था पहले, बट अभी Schedule 3 नया आ गया, लॉ का रिक्वायरमेंट Schedule 3 के हिसाब से, अभी Schedule 3 के हिसाब से अभी प्रपोज डिविडेंड दिखाना जरूरी नहीं है. अगर आपने कोई डिविडेंड प्रपोज किया रहेगा ना, आपको बहुत मन होता है ना दिखाने का, तो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दो. तो AS को भी अकॉर्डिंगली अमेंड किया, बोला
एएस में भी बोला कि भाई अगर अभी डिविडेंड है तो डिविडेंड को एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करना जरूरी नहीं, इनफैक्ट डिविडेंड को एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट मत करो, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मत लिखो, उसको क्या करो नोट्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करो डिस्क्लोज करो। कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन, डिविडेंड क्या करना चाहिए आफ्टर अमेंडमेंट, एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं एडजस्ट करना चाहिए, एडजस्ट नहीं करना चाहिए, किधर दिखाना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर में जाना चाहिए, दैट इज इन लाइन विद द न्यू शेड्यूल 3 आल्सो। सो आइडियली प्रपोज डिविडेंड आना नहीं चाहिए, एक कोई पुराना सम था उसमें प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसको गलत मत बोल देना, ये समझा मैंने क्या बोला, लेकिन नए रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रपोज डिविडेंड इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट, यू वोंट एडजस्ट इट खुद से, वो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर करके जाएगा। फाइन, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द टू पैराग्राफ्स, वही देके रखा हुआ है, शुड आई गो एड, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन एएस 29, ये एडजस्टमेंट जो भी है या ये अमेंडमेंट जो भी है ऑलरेडी पढ़ा के हो गया, क्या पता यहाँ पे ध्यान दो, पुराना एएस 29 बोलता था प्रोविजन को प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं लिखने का, उसको डिस्काउंट नहीं करने का, जितने पे प्रोविजन दिखता उतने पे दिखने का, उधर पीवी वगैरह कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करने का, बोलो एक्सेप्शन, डीकमिशनिंग वाला, ओके। तो यहाँ पे देखो अमेंडमेंट के बाद अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड नॉट बी डिस्काउंटेड टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू एक्सेप्ट डीकमिशनिंग रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्लियर। सो उस केस में डिस्काउंट करने का, अगर डिस्काउंट करा तो डीसीएफ चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा, तो बोलते हैं डिस्काउंट रेट कौन सा होना चाहिए, तो डिस्काउंट रेट प्री टैक्स होना चाहिए एंड मार्केट एस्टीमेट्स के हिसाब से होना चाहिए, मार्केट एस्टीमेट्स के असेसमेंट के हिसाब से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मार्केट में जाके देखने का, उसके हिसाब से डिस्काउंट रेट होना चाहिए। समझा मैंने क्या बोला, डिस्काउंट रेट पोस्ट टैक्स प्री टैक्स, प्री टैक्स ये कैपिटल बजटिंग में ऐसा मत करते ना, उधर डिस्काउंट रेट क्या होता है पोस्ट टैक्स, ये समझा, एक मिनट ये किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट रहेगा कौन सा रहेगा प्री टैक्स एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन मार्केट असेसमेंट, दैट विल बी बेस्ड ऑन मार्केट असेसमेंट, क्लियर ना, इतना याद रखने का, फिर एक काम करना, फिर यहां से याद रखना, पीरियोडिक अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, ये क्या होता है, आज प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया 100, लेट अस अज्यूम मैंने एंट्री पास कर दिया, क्या एंट्री पास किया, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन वो 100, वो प्रेजेंट वैल्यू आज का, समझो मैं एक साल आगे निकल गया, वो वैल्यू चेंज होएगा, वो वैल्यू अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो चेंज जो भी रहेगा उसका इफेक्ट जो भी रहेगा ना वो पीएनएल में जाएगा, रीजन समझो आज 100 रिकॉग्नाइज किया, एक साल के बाद वो 110 हो जाएगा, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो 10 क्या एक्चुअली इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब इंटरेस्ट, आपने 100 पे रिकॉर्ड किया उसके ऊपर का इंटरेस्ट 110 नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन वो बुक्स में 100 दिखता रहेगा, 100 का 110 करने के लिए 10 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, किधर करना पड़ेगा, क्लियर। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बताना था, इसके लिए डेलीबरेट किया, आई डोंट थिंक आईपीसीसी लेवल पे उतना तुमको परेशान करेगा यहाँ पे, लेकिन समझा मैंने क्या बोला, चलो ना समझो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है तो पुराना वो तो डिस्काउंटेड नहीं रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा उसको, अभी डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो ऑल एग्जिस्टिंग प्रोविजंस फॉर डीकमिशनिंग अगर पहले किया हुआ रहेगा इट शुड बी डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिवली, तो आगे डिस्काउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट करो, ये पुराना भी तो रह सकता है ना, ये वेरी क्लियर, ठीक है। सो वी आर डन विथ अमेंडमेंट रिलेटेड टू एएस 29 ऑल्सो, तो ये आइडियली ग्रुप 2 पॉइंट ऑफ व्यू दो ही था क्या, एएस 4 में एक छोटा सा अमेंडमेंट एंड एएस 29 में छोटा सा अमेंडमेंट, डिफाइन मेजर अमेंडमेंट जो था वो एएस 10 का था ग्रुप 1 पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो अमेंडमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है।